फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम इस तरह का एक खूबसूरत सा और क्यूट सा स्क्वायर बटवा तैयार करेंगे। ये बटवा मैंने ब्रोकेड के कपड़े में बनाया है और लगभग आधा मीटर से भी कम कपड़े में ये बन गया है। यहाँ पे हमने खूबसूरत से टैसल्स दिए हैं उसे, देखिए इस तरह से। ये लटकन बनाना भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी इस तरह से। और ये डोरी भी कपड़े की बनी हुई है, इसका वीडियो भी मैंने पहले के वीडियोस में डाला है। और यहाँ पे कंट्रास्ट कलर का कपड़े का भी इस्तेमाल किया है, तो दिखने में भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हम उसे खोलेंगे, देखिए ये अगर आप देख सकते हैं, इसमें हमने पॉकेट्स दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर आपको गिफ्ट्स देने हैं तो वो पैकेट्स आप रख सकते हैं, या तो चॉकलेट्स अगर गिफ्ट देने हैं तो भी आप इसे दे सकते हैं, या तो खुद के इस्तेमाल के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। और इसमें अगर परफ्यूम्स के बॉटल्स पूरी फैमिली के लिए आपको देना है तो भी आप इसमें यहाँ पे रख के गिफ्ट कर सकते हैं। तो पूरा नीट और क्लीन स्टिचिंग है, कहीं पे भी आपको अनफिनिश्ड एजेस नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए, और इस तरह से वो पॉकेट्स हमने 4 पॉकेट हर एक साइड में बनाए हैं। तो कम से कम 5 परफ्यूम की बॉटल्स इसमें रह सकती है, या तो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स भी आप इसमें रख सकते हो। तो इसमें मैंने यहाँ पे रबर शीट का इस्तेमाल किया है। उस रबर शीट की जगह पे जो क्राफ्ट मटेरियल में यूज होता है फोम शीट, उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, और या तो बकरम भी आप इस्तेमाल करोगे तो भी उसे उतना ही स्टिफनेस आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रोकेड का जो हमारा कपड़ा रहता है उस कपड़े में 5.5 इंच बाय 5.5 इंच, 5.5 इंचेस बाय 5.5 इंचेस के 5 स्क्वायर्स लिए हैं, 5 स्क्वायर्स लिए हैं। और उतने ही मेजरमेंट के मैंने लाइनिंग के पीस लिए हैं, जो कॉटन का लाइनिंग, अस्तर का जो लाइनिंग हमारा रहता है, अस्तर का कपड़ा कॉटन का, वो लिया है। तो इन दोनों का मेजरमेंट है 5.5 इंचेस बाय 5.5 इंचेस। अब ये जो हमारे ब्रोकेड का हमारा जो आउटर फैब्रिक है उसके अंदर हम इस तरह से फोम के शीट लगाएंगे। फोम कह सकते हैं या रबर शीट कह सकते हैं, ये जो क्राफ्ट मटेरियल में यूज होती है फोम शीट वही है ये। तो इसका मेजरमेंट है 4.5 इंच बाय 4.5 इंच। तो हर एक शीट को हमें यहाँ पे चारों ओर से सिलाई करके रबर शीट को इस पीस पे जोड़ देना है। इस तरह से रबर शीट जोड़ने के बाद उन पीसेस को हमें ऊपर की तरफ से इस तरह फोल्ड करना है, एक सीधा फोल्ड करके यहाँ पे एक दाब सिलाई करनी है। तो सिर्फ 4 पीसेस को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां से यहां तक एक दाब सिलाई कर देंगे। अब जो पीसेस हमने फोल्ड किए हैं उन्हें हमें आपस में जोड़ देना है, और जोड़ते वक्त हम सीधी साइड्स दोनों की एक रखेंगे। तो सीधी साइड्स एक और करके हमें इन पीसेस को आपस में जोड़ लेना है, देखिए इस तरह से। तो यहां पे एक सिलाई, इस तरह से हमें चारों पीसेस को आपस में जोड़ लेना है। इस तरह से चारों को हमने आपस में जोड़ दिया है। अब ऊपर की जो साइड है हमारी वो फोल्डेड है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में हम ये जो हमारा 5वां पीस है उसे जोड़ लेंगे आपस में। तो इस तरह से सेट करने के बाद यहां से पूरी चारों ओर से हमें यहां तक सिलाई करनी है। इस तरह से हमने बेस को जोड़ लिया है चारों पीसेस को, और अब ये जो हमारे लाइनिंग के पीस है उन्हें भी हमें इसी तरह से जोड़ना है। उससे पहले 4 पीसेस को हमें इस तरह फोल्ड करना है और यहां से यहां तक एक सिलाई करनी है। इस तरह से हमने ऊपर से फोल्ड करके लिया है। अब इन पीसेस को हमें यहां पे पॉकेट के लिए पीस जोड़ना है। उसके लिए मैंने 6 इंच बाय 7 इंचेस का एक पीस लिया है और 7 इंचेस की तरफ से हमने इसे फोल्ड किया है। तो ये हमारा 3.5 इंच बाय 6 इंच पीस रह जाएगा। अब हम यहाँ पे उसे एक स्टिच करेंगे और उसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे सिलने के बाद अब हम इसे
सीधा करेंगे इस तरह से। और ये जो हमारे पीस है सिले हुए, ऐसे हमें चार पीस तैयार करके लेने हैं। अब ये पीस हमारा यहाँ पे जुड़ेगा, तो सिर्फ ये साइड से जुड़ना है यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई करके। तो नीचे से एक इंच छोड़ के हमें यहाँ पे उसे स्टिच करना है, यहाँ से नहीं सिलना है, सिर्फ यहाँ से और यहाँ से एक इंच छोड़ के। तो ये थोड़ा ज्यादा है हमारा, तो ये इस तरह से उसे एक वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने चारों पीसेस पे जोड़ दिया है, देखिए इस तरह से। अब इन पीसेस को हमें आपस में जोड़ना है, तो जो फोल्डेड साइज है वो साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी, और यहां से साइड से हमें सब पीसेस को इस ये जो हमने बॉक्स किया है उसी तरीके से जोड़ देना है इस तरह से। और ये जो हमारा पांचवा पीस है वो यहाँ पे बेस में चारों ओर से सिल के जुड़ेगा। तो ये इस तरह से हमारे दो बॉक्स बनके तैयार है। और अब ड्रॉ स्ट्रिंग का जो हमारा ऊपर का पैटर्न है उसे हम तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने दो कलर के फैब्रिक लिए हैं, एक सेम कपड़ा हमारा और एक कॉन्ट्रास्ट कलर का। ऐसे मैंने दो पीसेस तैयार करने हैं हमें इस तरह से। सीधी साइड एक ओर हमें रखनी है और यहाँ पे सिलाई, और उसी तरह से इसे भी सीधी साइड्स एक और रखनी है दोनों की, और एक यहां पे सिलाई। इस तरह से सिलाई हमने कर दी है। अब हमें क्या क्या करना है, हमें इसे खोल देना है इस तरह से, और यहां पे भी फैला देंगे हम इस तरह से। अब हमें इन दोनों की सीधी साइड्स एक साथ रखनी है। देखिए जो सेम कलर का कपड़ा है वो एक और जो कॉन्ट्रास्ट कपड़ा है वो एक और। इस तरह से हमें दोनों की सीधी साइड्स एक और रखनी है, और यहां से हम एक सिलाई करेंगे और यहां से। तो यहां पे हमने दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, और अब मैं उसे सीधा करूंगी यहां पे। अब यहां पे हम उसे एक दाब सिलाई करेंगे। तो यहां से मैंने ऊपर से दाब सिलाई उसे कर दी है। अब हमें इसका जो ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए हमें यहां पे एक पट्टी जोड़नी है। उसके लिए मैंने 9.5 इंच बाय 1.5 इंच की दो पट्टियां ली है, 9.5 इंचेस बाय 1.5 इंचेस। अब हमें यहां से आधा इंच उसे फोल्ड करना है, और यहां से, और उसी तरह से चारों ओर से हमें उसे इस तरह से फोल्ड करके लेना है। तो इस तरह से चारों ओर से हमें फोल्ड करके लेना है, और यहां पे जहां पे हमने दाब सिलाई की है और हमारा ओपनिंग जहां पे फोल्ड है वहां पे हमें यहां से यहां तक उसे जोड़ना है। देखिए इस तरह से यहां पे, तो यहां से यहां तक एक सिलाई और यहां से यहां तक एक सिलाई। साइड से हमें सिलाई नहीं करनी है क्योंकि हमें उसमें से डोरी डालनी है, तो सिर्फ ऊपर और नीचे की तरफ ही हमारी सिलाई होगी। देखिए इस तरह से मैंने ये ड्रॉस्ट्रिंग वाली पट्टी इस पे जोड़ दी है, यहां पे ऊपर से ही, यहां से है वो, यहां से इस तरह से, और यहां पे ये दोनों सामने सामने आनी चाहिए। और अब ये हमारा पीस और ये पीस हम आपस में सेट करेंगे। तो यहां पे पहले हमें उसे सेंटर की मार्किंग करके लेनी है, ये और ये हमारी सेंटर की मार्किंग है वहां पे। ये जो हमारा जॉइंट है वो हमें वहां पे सेट करना है। इस तरह से हम इसे रखेंगे, और देखिए यहां पे ये जॉइंट यहां पे स्टिच होगा।
यहाँ पे, और दूसरा जॉइंट यहाँ का जो हमारा मिडिल का मार्किंग है वहां पे सेट होगा इस तरह से। तो ये अब हमें पूरा यहाँ पे सेट करके लेना है, और तभी हमारा जो ये पीस है इसे हम अंदर डालेंगे और इस तरह से। तो ये इस पीस को हमने ये और अंदर के पीस के बीच में रख दिया है, और अब हम यहाँ पे एक सिलाई करके तीनों पीसेस को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हमारा ये और अंदर के पीस के बीचों बीच ये हमारा पीस भी सिल जाएगा। देखिए इस तरह से पूरा यहाँ पे हमने सिल दिया है और तीनों पीस हमारे आपस में जुड़ गए हैं। इस तरह से वो अंदर से दिखेगा और बाहर से वो इस तरह से दिख रहा है स्क्वायर में। अब यहां से हम उसे डोरी इंसर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने दो डोरियां ली है। इसका मेजरमेंट है 27 इंचेस, 27 इंच की दो डोरी मैंने तैयार कर ली है। अगर आप चाहे तो आप जो रेडीमेड डोरी मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल भी मेरे पहले के वीडियोज में आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे। इस तरह से, और अब हम इस ओर से डोरी इंसर्ट करेंगे। इस तरह से, तो ये दोनों ओर से डोरी हमारी डल गई है और इस तरह से हमारा ये बटवा बनके तैयार हो जाएगा। और अब हम यहां पे उसे लटकन्स तैयार करेंगे। तो लटकन तैयार करने के लिए इस तरह के मैंने बीड्स लिए हैं। ये एक्चुअली पेपर से मैंने बनाए हैं। आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। ये मेरा एक आइडिया है बीड्स बनाने का, क्योंकि हर बार बाजार में जाने का टाइम नहीं मिलता और वो रह जाता है। तो अब इन बीड्स को मैं इसके बीचों बीच रखूंगी इस तरह से, और धागे से मैं इस तरह से उसे बांध दूंगी और एक्स्ट्रा का कपड़ा काट लेंगे। इस तरह से बीड्स बनाने के बाद अब इन बीड्स को मैं यहाँ पे एक एक करके सिल दूंगी हाथ सिलाई करके इस तरह से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे वो बीड्स अटैच कर लिए हैं इस तरह से। अब ये जो हमारे रॉ एजेस दिख रहे हैं उसे हमें कवर करना है। तो इसके लिए मैंने 3 इंचेस बाय 3 इंचेस के ये जो गोल्डन कलर है उस फैब्रिक में काट लिए हैं। अब स्क्वायर काट लिए हैं। अब इस तरह से मैं इनको फोल्ड करूंगी और देखिए ये ऐसे आना चाहिए आएगा हमारा इसके ऊपर। तो मुझे यहाँ पे मैं इस तरह से उसे रखूंगी उल्टा, त्रिकोण का जो एंगल है वो यहाँ पे आएगा और इस तरह से मैं उसे यहाँ पे फोल्ड करूंगी और ये जो रस्सी है वो हमारी बीच में जाएगी। और कितना आपको रखना है उस हिसाब से आपको ऊपर नीचे करना है वो, देखिए इस तरह से। और यहां से यहां तक हम उस पर सिलाई करेंगे और ये जो रस्सी है वो यहाँ पे कॉर्नर में सिलनी चाहिए हमारी। और इसी तरह से इन चारों को मैं यहाँ पे सिल दूंगी, बाकी के पीसेस को भी। देखिए इस तरह से मैंने उसे सिल दिया है और अब हम उसे टर्न करेंगे उसके ऊपर। देखिए इस तरह से हमारे ये लटकन्स भी बनके तैयार है। यहाँ पे एक हमारा स्टेप बाकी है मेरा, यहाँ पे एक हमारी दाब सिलाई बाकी है, हल्की सी 1/2 इंच की एक दाब सिलाई करनी है।
देखिए ये मैंने दाब सिलाई कर दी है, ये जो हमारा स्क्वायर शेप है बाहर का वो अच्छे से दिखना चाहिए, इसीलिए वो दाब सिलाई करनी है। और इस तरह से हमारा ये बटवा बनके बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमने प्यारे से लटकन भी उसे लगाए हैं और ये प्यारा सा क्यूट सा स्क्वायर बटवा हमारा बनके तैयार है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।